मेरा प्रदेश लाइव की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग खबर से, यानी कि हम टेल्गो ट्रेन की बात करेंगे जिसका फर्स्ट लुक के बारे में हम बात करते हैं। स्पेन के बार्सिलोना से मुंबई आई हाई स्पीड ट्रेन को जल्द ही अपने निश्चित जगह पर भेजकर टेस्ट किया जाएगा। हालांकि बुलेट ट्रेन का विकल्प कहे जाने वाले इस ट्रेन को भारतीय रेलवे के बेड़े में शामिल किए जाने से पहले कई और एग्जाम पास करना होगा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के यार्ड में अपने विशाल रूप में टेल्गो जल्द ही भारतीय रेल पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार होगा। तो ये देखिए, स्पेन के बार्सिलोना से मुंबई आ चुकी है, मुंबई आई ये हाई स्पीड ट्रेन और जल्द ही अपने निश्चित जगहों पर इसे भेज भी दे दिया जाएगा यहाँ पर टेस्ट के लिए। हालांकि बुलेट ट्रेन का विकल्प कहे जाने वाले इस ट्रेन को भारतीय रेलवे के बेड़े में शामिल किए जाने से पहले कई और एग्जाम पास करना होगा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के यार्ड में अपने विशाल रूप में टेल्गो जल्द ही भारतीय रेल पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार होगा। तो तस्वीरें देखिए, भारत पहुंची है ये टेल्गो ट्रेन। राजीव रंजन मुंबई से हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजीव, यहाँ पर टेल्गो ट्रेन मुंबई तो पहुंच चुकी है, लेकिन कितना और वक्त लगेगा इसे भारत की पटरियों में दौड़ने में? देखिए, अभी भारत की पटरियों पर दौड़ने में अभी काफी इसको समय लगेगा, क्योंकि कई परीक्षाएं इसको पास करनी है, क्योंकि यहाँ से मुंबई से अभी इज्जतनगर इसे भेजा जाएगा बाय रूट के जरिए, रूट ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाएगा। वो बड़े कंटेनर और बड़े जिस तरह से लॉरीज होंगे, उस लॉरीज के जरिए यहाँ भेजा जाएगा। 9 डब्बे हैं, 9 डब्बों को मिलाकर पूरे 2 कोच बनते हैं, 2 रेलवे जो कोच हैं वो बनेंगे, 2 ट्रेन पूरी तरह से तैयार होगी। उन 2 ट्रेनों को अलग अलग हिस्सों में इसकी स्पीड टेस्ट किए जाएंगे। जैसे अगर देखा जाए तो मथुरा से पलवल का जो स्पीड होगा वो 150 किलोमीटर की स्पीड पे इसे टेस्ट किया जाएगा जी। और मुंबई से दिल्ली इसे लगभग 200 किलोमीटर प्रति रफ्तार से इसकी स्पीड टेस्ट किए जाएंगे। और यहाँ से मुंबई से दिल्ली की जो दूरी तय करेगी वो 12 घंटे में इसे तय करना होगा। वहीं बरेली से मुरादाबाद इसे 100 किलोमीटर की रफ्तार से इसे इसके टेस्ट पास करने होंगे। यानी अभी तक देखो 3 चरण में इसे इसकी स्पीड ट्रायल लिए जाएंगे। हालांकि ये जरूर है कि इसे दौड़ाने के लिए दूसरी पटरियां नहीं बिछाई जाएंगी, जिस तरीके से ये था कि अगर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बनाया जाता है और बुलेट ट्रेन यहां दौड़ाई जाती है तो उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड कॉरिडोर और अलग से पटरियां बिछाई जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और बाकी जिससे हाई स्पीड से चलती हैं। लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड जो अभी टेस्ट की जाएगी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 12 घंटे में मुंबई से दिल्ली का वो सफर तय करेगा और ये स्पीड टेस्ट के जरिए। लेकिन अभी कई परीक्षाएं पास करनी होगी। हालांकि ये भी जरूरी है कि मुंबई से जिस तरीके से यहाँ बार्सिलोना से यहाँ आई है, 2 दिनों से यहाँ इस यार्ड में है, उसको पूरी तरह से पैक किया गया है कि क्योंकि यहाँ अगर जिस तरह से अलग अलग इसके कोचेज हैं वहाँ अगर फिर से इन्हें इंस्टॉल किया जाए तो कहीं कुछ खराबी ना हो, कुछ स्क्रैच ना हो। हालांकि ये बार्सिलोना में काफी वक्त तक इस ट्रेन को चलाया गया था, टेस्ट भी किया गया था। अब मुंबई के पूरे माहौल, मुंबई के जो पटरियों पर इसे दौड़ाने के भी टेस्ट किए जाएंगे। जी, शुक्रिया राजीव ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सभी को इंतजार होगा अब कब ये टेल्गो ट्रेन दौड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 26 अप्रैल तक हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी सभी पक्षों को दे दी जाए। 27 तारीख को मामले की फिर से सुनवाई होगी। साफ है कि 27 अप्रैल तक हरीश रावत सरकार कोई फैसला नहीं कर सकेगी। बीजेपी के लिए ये फैसला थोड़ा सियासी राहत देने वाला जरूर कहा जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को ना तो गलत ही बताया है और ना ही इसे रद्द किया है। उम्मीद है कि अब 27 तारीख को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। तो 27 तारीख का इंतजार करना होगा, जिसमें उम्मीद यही की जा रही है कि 27 तारीख को अब इसमें अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। आज 3:30 बजे सुनवाई हुई और सुनवाई अभी खत्म हुई है। दोनों पक्षों को सुन के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरांचल हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है। उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। उसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी। वही पोजीशन चलेगी जो कल थी या परसों थी, नेमली गवर्नर वाली पोजीशन चलेगी। लेकिन कोर्ट ने उसके साथ एक राइडर और ऐड किया है
कि सरकार प्रेसिडेंट रूल रिवोक नहीं करेगी 27 तारीख तक, उत्तरांचल हाईकोर्ट का जजमेंट 26 तारीख तक हर पार्टी को दिया जाएगा और 27 को पूरी सुनवाई आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोर्ट ने सारे मुद्दे सुने, ये भी सुना कि जजमेंट की कॉपी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ब्रॉडली और मुद्दे भी हमसे पूछे और दूसरी साइड से पूछे कि प्रेसिडेंट रूल किस मटेरियल पे रिवोक हुआ था। वो मटेरियल हमने कोर्ट को ओरली बताया, क्योंकि आज तो जजमेंट की भी कॉपी नहीं है। सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने 1.5 घंटे की सुनवाई के बाद ये ऑर्डर किया। आज की तारीख के बाद 27 तारीख तक चीफ मिनिस्टर या पूरे कैबिनेट को कोई अख्तियार नहीं है कोई डिसीजन लेने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ना तो वो चीफ मिनिस्टर है ना कोई कैबिनेट। कोर्ट ने हमारे ऊपर कंडीशन लगाई है कि हम सरकार रिवोक नहीं करेगी, और जहां तक सरकार जो चलाने की बात है स्टेट में, तो वही सरकार चलाएंगे जो पहले चला रहे थे कल तक, नेमली राज्यपाल।